दोस्त को दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। दुनिया के सबसे गद्दावर नेता को चुना जा रहा है। कौन कौन कर रहा है इस पद की दावेदारी, आइए जानते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश करेंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अपने करियर में तीसरी बार ये इलेक्शन लड़ेंगे। कौन है ये जो बाइडेन और क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे? कैसी है राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीतिक कुंडली, क्या वो इस बार अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे, आइए देखते हैं। साल है 2020 और उम्मीदवार भी दो है और चुना जाना है सिर्फ एक ही राष्ट्रपति, इसीलिए हम दोनों नेताओं को 20-20 पैमानों पर परखेंगे और दोनों में से कौन सबसे बड़ा दावेदार है यह जानने की कोशिश करेंगे। इस 2020 मैच को जो भी जीतेगा वही बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर नेता और अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति। हाय दोस्तों, मैं हूँ श्रुति। और मैं हूँ स्वप्निल। तो चलिए इस मैच को शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के कूल कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस की। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए राजनीति का अच्छा खासा एक्सपीरियंस। सन 2000 में ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए जरूर खड़े हुए थे। उस वक्त रिपब्लिकन कैंडिडेट थे जॉर्ज बुश और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे अल गोर। इन दोनों को ट्रंप ने चैलेंज किया था लेकिन बाद में किसी कारणवश ट्रंप पीछे हट गए। जो बाइडेन 29 साल की उम्र से एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, डेलावेयर से 1973 से 2009 तक सेनेटर भी रह चुके हैं और दो बार वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। किसी प्रेसिडेंट के काम को लोग कितना सराहते हैं ये पता चलता है अप्रूवल रेटिंग से। अप्रूवल रेटिंग को गैलप रेटिंग भी कहा जाता है। ट्रंप की ये रेटिंग हमेशा से कम ही रही है। फरवरी 2020 तक उनकी ये रेटिंग 35% टू 45% के बीच में थी, लेकिन कोरोना महामारी को बहुत कैजुअली लेने की वजह से और हाल ही में चल रही ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के बाद उनकी ये रेटिंग लगातार कम होती नजर आ रही है। ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए जो बाइडेन ने बहुत अच्छे काम किए हैं और फरवरी 2020 से उनकी रैंकिंग लगातार बढ़ती जा रही है और हाल ही में हुए सर्वे में उन्हें अपने रैंकिंग में 10 पॉइंट की बढ़त मिली है। अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी और पब्लिक इमेज की, तो ट्रंप हमेशा से ही अपने यूथफुल और एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से बहुत पॉपुलर रहे हैं। 1980 के दशक से कई हॉलीवुड गानों में उनकी अमीरी और उनके लाइफस्टाइल का जिक्र होता आ रहा है, लेकिन 2019 में हुए एक सर्वे के अनुसार ट्रंप हैरी ट्रूमन के बाद सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट रहे हैं। ट्रंप पॉपुलर तो है लेकिन चुटकुलों में। कई सारे कॉमेडियंस, कार्टून आर्टिस्ट और पैरोडी मेकर्स का पसंदीदा विषय रहे हैं। द प्रेसिडेंट शो और आवर कार्टून प्रेसिडेंट जैसे शो उनके नाम पर बने हैं। बाइडेन ट्रंप की तरह ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है लेकिन ज्यादा शो ऑफ ना करते हुए अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। सोशल मीडिया, ट्रंप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और ट्विटर के माध्यम से अपने विरोधियों पर निशाना भी साधते हैं। ट्विटर के ऊपर उनके 81.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 20.1 मिलियन और फेसबुक पर 28 मिलियन। बाइडेन ज्यादातर सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं। ट्विटर पे उनके 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 2.2 मिलियन और फेसबुक पे 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रिलेशनशिप विद प्रेस, किसी भी डेमोक्रेसी में चौथा पिलर होता है मीडिया। कोई भी राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक मूल्यों को कितना महत्व देता है ये पता चलता है प्रेस को मिलने वाले फ्रीडम से। इस मामले में ट्रंप हमेशा फेल होते हुए नजर आते हैं। वो हमेशा प्रेस से नाराज रहते हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिपोर्टर्स को गरियाते हुए नजर आते हैं और उल्टे सीधे सवाल आने पर वो चिढ़ जाते हैं। बाइडेन इस मामले में बहुत सुलझे हुए लगते हैं। डेमोक्रेसी में प्रेस को उचित सम्मान कैसे देना है उन्हें अच्छी तरह पता है। बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। ट्रंप राइट विंग या दक्षिणपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं। इसमें सोशल डिविजन और सोशल हायरार्की को नेचुरल माना जाता है। इसमें परंपराओं को महत्व दिया जाता है और कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया जाता है। बाइडेन की विचारधारा लेफ्ट ऑफ सेंटर टाइप की है, जिसे हम सोशल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। सोशल डेमोक्रेसी समाजवादी विचारधारा का एक माइल्ड फ्लेवर है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ इकोनॉमिक डिवाइड को कम करने की बात की जाती है। इकोनॉमिक वेल्थ, ट्रंप के पिता बहुत अमीर थे और अपने बेटे का बिजनेस सेट करने के लिए उन्होंने करोड़ों डॉलर्स की मदद की थी। 1986 में केवल 36 साल की उम्र में ट्रंप फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके थे।
बाइडेन के पिताजी बहुत अमीर थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने पिताजी से पैसे नहीं लिए। सबसे कम अमीर सीनेटर्स में से एक उन्हें जाना जाता है। अगर बात की जाए इकोनॉमिक पॉलिसीज की, तो ट्रम्प खुद एक कैपिटलिस्ट है, इसीलिए वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और उसी की वजह से अमेरिकन बिजनेस लॉबी ट्रम्प को सपोर्ट करती है। कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन करने से पहले ट्रम्प का फोकस होता है बिजनेस, इसीलिए हर साल बड़ी बड़ी कंपनियां पॉलिटिकल लॉबिंग पर करोड़ों डॉलर खर्च करती है। बाइडेन कैपिटलिस्ट तो है, लेकिन कैपिटलिज्म की विषमताओं को मिटाना चाहते हैं, मजदूरों और कर्मचारियों को आर्थिक विकास के अवसर देकर उनका जीवन स्तर बढ़ाना चाहते हैं। सोशल आउटलुक, ट्रम्प हमेशा पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति पर विश्वास रखते हैं, फॉरेन इमिग्रेंट्स को लेकर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और इसीलिए ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका में सोशल डिवाइड बहुत बढ़ गया है। बाइडेन सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और वो मल्टीकल्चरिज्म में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हमेशा सोशल यूनिटी और हार्मनी की बातें करते हैं। कनेक्टिंग विद अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड इंडियंस, अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी और ब्लैक लोगों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। इंडियन कम्युनिटी को लुभाने के लिए सितंबर 2019 में ट्रम्प ने हाउडी मोदी नाम से एक इवेंट किया था। ऐसा इवेंट केवल पोप के लिए किया जाता है, लेकिन अपनी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से इंडियंस में ट्रम्प बहुत अनपॉपुलर है, और हाल ही में हुए ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के बाद और जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर के बाद ब्लैक लोगों में भी ट्रम्प अनपॉपुलर हो चुके हैं। इंडियंस और अफ्रीकन अमेरिकन्स दोनों तक बाइडेन का आउटरीच बहुत ही अच्छा रहा है। ओबामा समय से ही उनकी नीतियां इंडियंस के फेवर में रही है, और ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के चलते वो अभी ब्लैक कम्युनिटी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी आउटलुक, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश का नेता होने के नाते उनकी फॉरेन पॉलिसीज कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। इंटरनेशनल लेवल पर ट्रम्प की राजनीति हमेशा नॉन इंटरवेंशनिस्ट यानी कि गैर हस्तक्षेपी रही है। उन्होंने हमेशा ही नवराष्ट्रवादी या तानाशाही नेताओं की तारीफ की है और प्रजातांत्रिक नेताओं पर तंज कसे हैं। ट्रम्प के अनुसार चीन के शी जिनपिंग, सऊदी अरेबिया के किंग सलमान और इंडिया के नरेंद्र मोदी, इनके जैसे नेता अच्छे नेता हैं। चीन का अमेरिकी पोजीशन को हमेशा चैलेंज करना और एशिया पैसिफिक में अपना वर्चस्व बढ़ाना ट्रम्प को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो अक्सर चीन के साथ किसी न किसी विवाद में उलझे रहते हैं। बाइडेन 8 साल तक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सीनेट की फॉरेन रिलेशन कमिटी में उन्होंने 3 दशकों तक काम किया है। चीन के खिलाफ ट्रम्प की कन्फ्रंटेशन पॉलिसी उनके हिसाब से काउंटर प्रोडक्टिव है। उनका यह मानना है कि चीन पर डायरेक्ट अटैक करने से अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है, सारे अलायंस को साथ लेकर चीन को अच्छी तरह से काउंटर किया जा सकता है। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, ट्रम्प हमेशा मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को साइडलाइन कर देते हैं। जब यूनेस्को ने पैलेस्टीन को मेंबरशिप दे दी तो उन्होंने यूनेस्को छोड़ दिया। जिस नाटो को अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी ज्यादा तवज्जो दिया करता था, उस नाटो को भी ट्रम्प ने छोड़ दिया। WTO को ट्रेड विरोधी बताते हुए उनकी मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स को नजरअंदाज कर बायलैटरल अग्रीमेंट्स पर ज्यादा जोर दिया। जिस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को बराक ओबामा ने बड़े जोरों शोरों से शुरू किया था, उसे भी ट्रम्प ने छोड़ दिया। इस तरह उन्होंने पूरे अमेरिकी ट्रेड को संरक्षणवादी बना रखा है, और अब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ने की बात करते हैं। बाइडेन ओबामा के तरह मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और वो नाटो के भी कट्टर समर्थक है। नाटो के बारे में वो कहते हैं कि इट इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री अलायंस इन द वर्ल्ड। ओबामा के समय ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का भी उन्होंने पुरजोर समर्थन किया था, और इसीलिए ट्रम्प की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का वो विरोध करते हैं। ट्रूप डिप्लॉयमेंट एंड वॉर, अब जब वॉर की बात आती है तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों का ही रिकॉर्ड खराब है। ट्रम्प ने सोमालिया, ईरान, इराक में कई क्रूर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन सारे ऑपरेशन में कई निर्दोष लोगों की जाने भी गई है, लेकिन जब ईरान ने जवाबी हमला किया तो ट्रम्प ने सारी कार्रवाई को रोक दिया। बाइडेन ट्रूप डिप्लॉयमेंट और वॉर के भी खिलाफ है। अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फॉरेवर वॉर थ्योरी का भी वो विरोध करते हैं, लेकिन वो बाइडेन ही थे जिनके समय में क्रूर ड्रोन ऑपरेशंस की शुरुआत की गई थी, जिससे आतंकवादियों का खात्मा तो हुआ लेकिन लाखों लोगों की भी जाने गई। टेररिज्म की बात करते हैं, ट्रम्प ने ओबामा की सारी पॉलिसीज को भले ही रद्द कर दिया होगा, लेकिन उनकी एंटी टेररिज्म पॉलिसी को अभी भी शुरू रखा है। ट्रम्प ने अलकायदा के हमजा बिन लादेन और ISIS के अल बगदादी को मारने के ऑर्डर्स दिए थे,
बाइडेन ओबामा की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को फॉलो करते हैं और एक स्टेप आगे जाकर काउंटर टेररिज्म प्लस की भी वह वकालत करते हैं। इसमें आउटराइट वॉर तो नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी टुकड़ियों में स्पेशल फोर्सेस को भेजकर आतंकवादियों का खात्मा किया जाता है। इमिग्रेशन, ट्रंप इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ है। कई इस्लामिक देशों से इमिग्रेशन पर रोक लगा दी गई है और मेक्सिकन इमिग्रेशन को रोकने के लिए बॉर्डर पर एक बड़ी दीवार खड़ी करना चाहते हैं। इमोरल और रेसिस्ट कहते हुए बाइडेन ने ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध किया है। क्लाइमेट चेंज, ट्रंप ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज है, इसीलिए वो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हो गए। बाइडेन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं और उसके लिए ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप डेवलप करना चाहते हैं। एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई मामले ट्रंप पर दर्ज है। रशिया ने उन्हें चुनाव जीतने में मदद की थी, इस मामले पर भी जांच चल रही है। बाइडेन के खिलाफ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई मामले चल रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले उनकी सहयोगी तारा रीड ने उन पर गंभीर आरोप किए हैं। बात करते हैं स्टाइल ऑफ कैंपेन की। ट्रंप का स्टाइल ऑफ कैंपेन हमेशा आक्रामक होता है, एग्रेसिव होता है। करोड़ों डॉलर्स इस पर खर्च किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बात ट्रंप खुद रखते हैं। ट्रंप के कैंपेन मैनेजर है जैरेड कुशनर। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जैरेड कुशनर ट्रंप के लिए उनके प्रशांत किशोर है। वो इलेक्शन को जीतने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटा डेटा का इस्तेमाल करते हैं। मेटा डेटा का इस्तेमाल करके वो अपने पोटेंशियल वोटर्स को पहचानते हैं और फिर उन्हें एक टेलर्ड मैसेज कंटिन्यूअसली भेजते रहते हैं। कोरोना के चलते शुरुआती दौर में उनका पूरा कैंपेन कुछ लो प्रोफाइल ही रहा, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने माहौल गर्म करना शुरू कर दिया है। बाइडेन के कैंपेन मैनेजर है ग्रेग शुल्ट्ज़ और उनका साथ दे रहे हैं कमाऊ मंडेला मार्शल। दोनों भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं। कैंपेन स्लोगन्स, किसी भी चुनाव के नतीजे घोषणा और जुमलों से बदले जा सकते हैं। ट्रंप की घोषणा है कीप अमेरिका ग्रेट, प्रॉमिसेस मेड, प्रॉमिसेस केप्ट। उनकी ये घोषणा अमेरिकी लोगों पर एक गहरा असर छोड़ जाती है। उनका कैंपेन स्लोगन है आवर बेस्ट डेज स्टिल लाइ अहेड, यानी अपनी भाषा में अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन कितना टेक्नोसेवी है? ट्रंप बहुत टेक्नोसेवी है। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानते हैं और वो करते भी हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं। बाइडेन पुराने ख्यालात वाले हैं और इसीलिए ज्यादातर सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं। इतना ही नहीं, उनकी पूरी कैंपेन टीम में जो पुराने ख्यालात वाले लोग हैं उन्हीं से उनकी ज्यादा जमती है। तो दोस्तों, ये थी ट्रंप वर्सेस बाइडेन 2020 मैच और इस मैच में बाइडेन का स्कोर है 16 और ट्रंप का स्कोर है ओनली 5। इस पूरे मैच में बाइडेन एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिका में इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतिहास में ऐसा दो ही बार हुआ है कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए खड़ा हो और हार जाए। अब ये इनकम्बेंसी फैक्टर ट्रंप के केस में किस प्रकार टर्नआउट होता है ये तो हमें समय ही बताएगा। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स इसी प्रकार अगर कम होती रही तो उनका जीतना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा एनालिसिस और ये ओपिनियन हमारे पर्सनल है। तो दोस्तों, कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? कौन जीतेगा US इलेक्शंस? आप क्या सोचते हैं ये आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।